दोस्तों, तो दोबारा से आ गए हम। तो जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है, गाड़ियाँ बेचने का काम है मेरा, और साथ साथ में मैं ये काम भी करता हूँ ना। अपना ड्यूटी चली है, अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो वीडियो बन रही है इसके लिए। और आप भी सोच रहे होने कि गाड़ियों का काम है तो गाड़ियों की वीडियो नहीं डालता ये। एक्चुअली ऐसा है कि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, कि मैं गाड़ियों के पास जाके वीडियो बनाऊँ, उसकी वीडियो डालूँ। और वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी गाड़ी की डीलिंग होती है हमारे पास। अगर डीलिंग ही हो जाती है तो वीडियो का मेरे को नहीं लगता कि वीडियो बना के मेरे को अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि आपको सिर्फ गाड़ी चाहिए, ठीक है, गाड़ी हम प्रोवाइड कर देते हैं, कहीं से भी कर देंगे, ठीक है। गाड़ी अपने पास भी होती है, और कुछ गाड़ियाँ मैक्सिमम हम यही डील करते हैं कि जो ऑनर होते हैं गाड़ियों के, उनके साथ ही हमारी डायरेक्ट डील होती है, और उनकी उनकी गाड़ियाँ हमें सेल आउट करनी होती हैं, ठीक है। तो बाकी बात ऐसी है कि चला है काम धंधा, बढ़िया है, और एकदम ऐसे है, अपने अपने सिस्टम से सब ठीक है। और कमेंट वगैरह तो आपने करने नहीं वीडियो पे। तो मेरे को पता है भाई कि अब अभी तक तो हम ऐसे फेमस हुए नहीं हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ये तो आपने अभी करना नहीं है, क्योंकि अभी तक हम उतने ज़्यादा फेमस नहीं हैं। माना कि भगवान की दया से, आप सभी के साथ से, आप सभी के प्यार से 1,000 सब्सक्राइब मेरे हो गए हैं। एक्चुअली इसका बहुत बड़ा हिस्सा उस लिंक को भी जाता है जो आप मेरे को मैसेज करते हो, बार बार जाता है कि भाई जी चैनल सब्सक्राइब करो। तो कोई तो अपने लालच का भी चैनल सब्सक्राइब कर देता है कि भाई चलो सरदार जी ने बोला है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लगता है। बट हम करते हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करा है उनकी तरफ से हम जितना हो सके उसको लेस करवाने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लेस करवाएं रेट को, ठीक है। बाकी बात भाई, मैं मैक्सिमम वीडियो इसलिए नहीं डालता कि लोग मतलब लोग देखें, इसके लिए डालते हैं हम। बाकी तो है कि हाँ, खुद के लिए ही डालते हैं वीडियो कि हमारे विचार क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं है। एक्चुअली अब मैक्सिमम अब देखा जाए ना, रात की वीडियो बना रहा 2 बजे की, ठीक है, अब वो 3-4 बजे के बीच हमें नींद लग जाएगी, तो थके हारे हैं रात के। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रात में बंदा सच्चे बोलता है, ठीक है, हम भी सच्चे बोलते हैं, झूठा हमें ज़्यादा आता भी नहीं है ना। अब थोड़ा बहुत जिस हिसाब से काम है उसमें तो है कि थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। प्योर सच बोला तो उनको भी हजम नहीं होने वाला जो सामने वाला बंदा है, और हमें भी बोल के फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो बाकी बात कर लेते हैं भाई कि आजकल जो एक बना है सिस्टम, बना है ना, सामाजिक सिस्टम बना है, तो चलो जो है वो बढ़िया है। बाकी आपको मैं एक ही बात समझाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे अब जो मेरे यंग दोस्त हैं, ठीक है, 28 साल मेरी उम्र है, तो हो सकता है आपकी उम्र 20 साल हो, 22 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो। 50 साल वाले को भी बढ़िया यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा, और 20-22 साल वालों को तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। भाई कोई टाइम था कि हमें लोग बोलते थे कि भाई ऐसे कि आप ऐसे गप्पे मारते हो, ऐसा फलाना ढिमका, कि तुम पता नहीं क्या क्या बोलते थे मेरे बारे में, आई डोंट केयर भाई, ठीक है, कि भाई मुझे उनकी बातों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ ऐसा है कि यारो चलो उन्होंने बोलना, उनका काम है, ठीक है, बोलने का। बाकी हम उनके बारे में बुरा नहीं सोचते, ना वो हमारे बारे में सोचते हैं, क्योंकि हर बंदा जो नया काम स्टार्ट करेगा, अगर वो नया काम स्टार्ट करेगा तो उसमें बोलेंगे बोले हाँ भाई ये, या तो बंदा साथ ही देगा या तो बंदा धक्का ही देगा कि भाई तेरे से नहीं होगा, है ना, तेरे से नहीं होगा। ये बात उस बंदे को ही
अच्छी लगती है जो अनखी बंदा हो, ठीक है, तिरसे नहीं होगा। तो हम जैसे बंदे को जब ऐसा बोलेगा कोई भी, तिरसे नहीं होगा ये काम, तब भाई वही काम करेंगे। बाकी ऐसा भी नहीं है भाई कि आप हमें नेगेटिव काम बोलो, ठीक है, कि भाई ये तेरे से नहीं होगा, गलत काम बोलो। अब बोलते हैं बंदे कि यार भाई आप सरदार बंदे हो, ऐसा हो खाना ढंग का, जो भी बोले हमारे बारे में, अभी तक तो हम ठीक ही है फिलहाल। बाकी गलत होंगे तो हम गलत होंगे, तो हम बोल के करें भाई हम गलत हैं, और जब तक हम सही है ना भाई, तब तक हम सही है, ठीक है। तो मेन टॉपिक मैंने लिख के रखे होते हैं, ठीक है, कि क्या क्या मैंने बोलना है, क्या मैंने करना है, ठीक है। तो आज मैंने लिखा है इस पे कि भाई आपका ना साथ देने वाला कोई नहीं है आज के टाइम में, और आगे भी आप अकेले आए हो, अकेले आपने जाना है, ठीक है। तो कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, ये रीत है, ठीक है, सामाजिक रीत है ये, कोई आ रही है, कोई जा रही है, जो आ रही है भाई उसको एक्सेप्ट करो, और जा रही है उसको रिजेक्ट करो, ठीक है। चलो कोशिश करनी चाहिए आपको कि बन जाए बात तो ठीक है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है अपनी एक, ठीक है। यार मैंने तो ये बात करी थी कोई साथ नहीं देने वाला, चलो बात खींचती खींचती बात खींच जाती है, ठीक है। तो मैं रावण के बारे में सोच रहा था, ठीक है, कि रावण एक अच्छा इंसान था, ठीक है। उसने अपना मतलब सबसे बड़ा पंडित और सबसे बड़ा भक्त वही हुआ है, सबसे बड़ा शिव भक्त रावण हुआ है, ठीक है। रावण ने 10 सिर कल अपने काट के शिव महाराज को मतलब खुश किया था, ठीक है। तो तभी वो 10 आनंद बना, ठीक है। बाकी एक बहुत ही बड़ा विद्वान और पंडित था वो, नौग्रह उसके पैरों के नीचे रहते, जब वो चलता था सिंहासन की ओर तो नौग्रह से ऊपर पैर रख के चलता था, ठीक है, और काल को भी उसने बांध के रखा था, ठीक है। और भी बहुत थे कि उसमें बहुत ही मतलब एक अच्छा राजा था, और उसने ऐसा भी रखा था कि वो स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाएगा, और स्वर्ग के देवताओं को उसने अपने पास रखा था, जैसे कि स्वर्ग के देवते थे अग्निदेव, ठीक है, तेरा काम है आग जलाने का, तो उनको रखा था उसने वहाँ पे कि तू आग जलाएगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब रसोई में तू आग जलाएगा और खाना बनाएगा ना आग से, और जैसे कि और भी देवताओं के अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि बारिश के देवता हो गए, उनको बारिश करने का भी टाइम टेबल बनाया होना, और भी वायु जो भी होगा सब देवताओं को उसने अपने अंडर करा था, ठीक है। और जो भी यार मैं ज़्यादा देवता की बात भी नहीं करना चाहता यार, कोई ऐसा नहीं कोई पीछे पड़ जाए वो वो जो देखा है भाई, तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा कहे को बोला एक मतलब बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म है जो आपका, हाँ हमारा भी वैसे ही है एक्चुअली, हूँ है तो हम सरदार बंदे, बट हूँ मैं हिमाचल से, ठीक है। तो मुझे पता है सनातन हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई, मुस्लिम, जो भी है ना भाई सब एक ही है, ठीक है। अब हम अगर इसमें हैं, अगर हमारा जो धर्म है मतलब मेन धर्म, मेरे को तो अब सिख धर्म से हूँ मैं, तो मुझे तो सिख धर्म का ही प्रचार करना चाहिए, पर चलो यारो करते हैं हम, ठीक है। सिख धर्म है कि जो उनके रूल है हम उनको फॉलो करते हैं, और यहाँ के रूल है अब उनको भी फॉलो कर रहे हैं, कि सनातन का नाम बहुत चला है, हिंदू हिंदू राष्ट्र का भी बहुत नाम चला है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। चलो यार भाई आपने हिंदू राष्ट्र बनाना है चाहे जो भी है आप बनाओगे, हम भी यहाँ के हैं तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ठीक है, एक बढ़िया है। क्योंकि एक सनातन धर्म में मेन ये है कि इसमें जो भी रीति रिवाज है, जो भी है, हर चीज़ परफेक्ट है मतलब, ठीक है। अब इसमें तो मतलब जैसे कि सबसे पहले तो
माँ बाप की सेवा सावा करनी चाहिए। ठीक है, श्रवण कुमार के बारे में आपने सुना होगा कि श्रवण कुमार कैसा था, उसने माँ बाप की सेवा करी। ठीक है, राम जी, राम तो दुनिया ही जानती है ना भाई, तो मतलब राम ही है जो भी है, राम जी, श्री राम बोलो ना, श्री राम जी। फिर श्री राम जी को आपको पता है कि कितने ही मतलब वो भगवान थे। ठीक है, श्री राम जी भगवान ही थे और भगवान है, और मतलब उन्होंने यहाँ पे आके अपना जो काम करा एकदम बढ़िया। ठीक है, तो राम जी के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं भाई।